थोड़ा सा, इसको इस पे खड़ा कराओ अंकित को। सब लोग बैठ जाओ, पढ़ाई क्या होता है अभी हम तुमको दिखाते हैं। ये लड़की अंकित, ये अंकित है 7 साल का लड़का है, और ये शिवानी 5 साल की। बैठ तुम लोगों, बैठ जाइए बाबा। आप लोग को दिखाते हैं, देखिए ये मोबाइल रखना बाबू, है बैल कहीं का मोबाइल रख दे। यहाँ देखो शिवानी, ये कर्क रेखा पता है कि नहीं? कर्क रेखा 18 देश से जाती है। अच्छा कौन कौन देश बता दीजिएगा, माइक दे। कर्क रेखा में कितने देश है, सबका नाम बताइए। मेक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, माली, मॉरिटानी, नाइजर, लीबिया, चाद, सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ताइवान। अच्छा हम पॉलिटी का क्लास करा रहे थे तो पढ़ी थी कि नहीं? हाँ। मुझे बता दीजिएगा अनुच्छेद 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। 100 आर्टिकल 125 जज का वेतन। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 सांसद राष्ट्रपति को पुरस्कार का भारत में किसी दूसरे राज्य को मिला सकता। अच्छा वो कौन सा ऐसा राज्य था जिसको संसद ने भारत में मिला लिया? सिक्किम। वो पहले भारत में तो नहीं था वो? नहीं था। वेरी गुड। चलिए और कुछ बता दीजिएगा। पूरा वर्ल्ड याद है, हम सुने हैं। पूरा एप्लीकेशन में इस पूरा इसके भाई, इसके भैया है नीतीश कुमार, वो एप्लीकेशन पे पढ़ते, मतलब एप्लीकेशन पे, तो ये साथ साथ पढ़ती थी। पूरा याद है कि नहीं याद है? सुना दोगी? वर्ल्ड सुना तो पूरा, पूरा वर्ल्ड पढ़ाए थे, सुना दोगी? सुना दो, कौन कौन देश था पूरा? सार्क में कितना देश है? 8 बता दो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सुनिए एप्लीकेशन वाले सब लोग ध्यान से। अच्छा ये बताइए पूरा दुनिया में जितना देश है बता दीजिएगा, बताइए तो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये आई ना तो क्या करिए कि हम तो आपको मोबाइल पे देखे थे, अभी देख लिया हम आपको। मोबाइल के अंदर कौन पढ़ाता था? हम पढ़ाते थे क्या? अच्छा नाम क्या है मेरा? खान सर। एक छोटे से परिवार से, जो लड़के कहते हैं कि सर डाउट कैसे होता है, अरे चुल्लू भर पानी में जब डूब मरो, लड़की फर्स्ट टाइम क्लास है, एप्लीकेशन पे लाइव क्लास पढ़ी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट पे, एप्लीकेशन पे पढ़ी लड़की मोबाइल में। सोचिए यहाँ पे आप लोग दिल से पढ़ाई कीजिए ना यहाँ पे, देखिए इस लड़की को देख के आप लोग को लगता है शर्म आती है कि नहीं? देखिए थोड़ा एजिटेशन हो रहा है, रुकिए बताते हैं। शिवानी एक सवाल, बड़ी होके क्या करना है? यूपीएससी करेक्ट। अब अंकित से सवाल पूछते हैं। रुक आराम से, आराम का ये खोज कौन किया था? जयराम स्वामी। ये सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे तो ये आपको दिखाए थे महात्मा बुद्ध की मूर्ति, तो एप्लीकेशन पे देख ली थी तो कॉल करके कह रही थी कि जब हम आएंगे तो बुद्ध भगवान की मूर्ति ले जाएंगे। ले जाओगी? और क्या, और क्या क्या चाहिए? और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। हम लोग किस आकाशगंगा में रहते? मंदाकिनी। अच्छा अभी इंडिया का नक्शा चालू हो गया है?
यहाँ आज क्लास नहीं छूटेगा, आप यहाँ बैठ के दीदी लोग के साथ पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा ना। अच्छा हम आपको ज्योग्राफी का शुरू का क्लास तो किए थे, टोपोग्राफी भी किए थे। अच्छा बताइए तो नदियाँ जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम। उसके आगे क्या जाती है? झरना। उसके नीचे? अनुमान कुंड। और मैदानी भाग में जाती है तो? ऐसा करके घाटी। अच्छा और नदी में जब जाके नदी के मुहाने पे जो कचरा जमा कर देती है उसे? डेल्टा। और अगर दोनों किनारे पे पहाड़ खड़ा हो तो डेल्टा बनेगा? नहीं। क्या बनेगा? ज्वारनाद। अच्छा बड़े होके क्या करना है? यूपीएससी का एग्जाम निकालना है। और पूछे बता दीजिएगा आप। यस। हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य। दूसरा सबसे करीबी तारा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा का नाम? मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवयानी। अच्छा ये बताइए सबसे, हम वही तो पूछे सबसे नजदीकी तो, सुपर क्लस्टर वगैरह में। चलिए आप बताइए बहु, उल्का पिंड से अगर पृथ्वी पे गिरती है तो झील बन जाता है कि नहीं बन जाता? हाँ। कोई झील बना है? हाँ। से अगर पृथ्वी पे गिरती है तो झील बन जाता है कि नहीं बन जाता? हाँ। कोई झील बना है? हाँ। कौन सा? लोनार जी भारत में महाराष्ट्र। पूरा पढ़ लेते हैं ना? हाँ। चलिए अब आगे भी सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे मन से पढ़ेंगे? हाँ। चलिए ठीक है, एकदम बड़े होके आना है ना यहाँ पे, यूपीएससी निकालना है। हाँ। चलिए वेरी गुड। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बहुत कुछ समाज को देख गया, हमारा एक सपना था ना जो भारत में कोने कोने तक शिक्षा पहुँच सके, आप लोग को इन्हें देख के लग रहा है कि वो सपना पूरा हो रहा है। और ये वादा है मेरा, हम कुछ कर, मतलब हम इस भारत को जो विश्व गुरु का सपना था ना उसमें जितना योगदान देना चाहे हम जरूर देंगे, और ये हमारे देश का भविष्य है। अंकित और क्वेश्चन पूछे बताओगे? यूट्यूब पे भी क्लास देखते होगे? हाँ। चाहिए बता दो कि भारत से कौन सा देश है जो बहुत दुश्मनी करते हैं, बहुत खचरा देश? पाकिस्तान, चीन। क्लास आज यही करना है आज तो? बहुत बढ़िया, अब क्लास के बाद शॉपिंग करने चलेंगे लोग, ठीक है? कर रहे ना कि प्रस्तावना सुना दीजिए संविधान का, बताइए तो प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत का संपूर्ण प्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीति न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्र। समुद्र चुकी सागर से पूरा? चुकी सागर, सबरिया सागर, लोटस सागर, काला सागर, बेरन सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड, बबिन की खाड़ी, असम की खाड़ी, अमनसन की खाड़ी, बिफोर्स का डेविड जल संधि, लोडाडा मेक्सिको खाड़ी। बस 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 बस। अंकित एक सवाल पूछे बताइए, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। अच्छा टोटल महासागरों की संख्या मतलब भूसी आप लोगों के लिए? चार। बकलोल के लिए? पांच। हम आपको क्लास में भी पढ़ाते थे तो ये बोलते थे होशियार के लिए, बकलोल के लिए। अच्छा लड़की सब के लिए कै गो सागर? सात। अच्छा अच्छा कैसे पता है सात सागर का? कौन से कोई गाना था क्या? कौन सा? सात समुंदर पार तेरे पीछे। आप बताओ भाई, अब भी किसी को डाउट है कि पढ़ाई कैसे होता है? देख लिए, अब सोचिए ये लड़के आने वाले भविष्य में देश का कंपटीशन इतना भयानक होने वाला है, समझा गया कि नहीं आ गया? तो जितना आपका रिजल्ट लेट से होगा उतने खतरनाक आएगा, जैसे 5G खोपड़ी वाला है।